हेलो फ्रेंड, आपका अपने चैनल लर्न स्टिचिंग में स्वागत है। आज हम ब्लाउज का डिजाइन बनाने जा रहे हैं। इसके लिए देखिए, मैंने मोढ़े को काट लिया है। शोल्डर हमारी 5 इंच है, लंबाई हमारी 12.5 इंच है, चौड़ाई हमारी 9 इंच है। यहाँ पर देखिए, हमने 2.5 इंच पर गले का निशान लगाया है और गले की डीपनेस यहाँ पर 10 इंच रखे हैं। तो यहाँ पर से देखिए, हमने बॉक्स बना लिया है और अब हम गले का शेप देंगे। कुछ इस तरह से हम गले का शेप दे देंगे और अब हम इसे काट लेते हैं। तो देखिए, हमने गले को काट लिया है और हमारा गला कुछ इस तरह से दिख रहा है। यहाँ पर देखिए, पहले ब्लाउज के कपड़े को फैलाएंगे, उसके ऊपर हम अस्तर के कपड़े को फैला लेंगे और हर जगह पिन अटैच कर लेंगे। और अब हम ऊपर से गले की सिलाई लगाएंगे। तो देखिए, हमने सिलाई लगा लिया है। यहाँ से 20 से कपड़े को काट कर निकाल लेंगे और हल्का हल्का कट पूरे गले के ऊपर लगा लेंगे। इसके बाद इसे पलट लेंगे। अच्छी तरह से यहाँ पर पलटने के बाद हम ऊपर से गले की सिलाई लगाएंगे। और फ्रेंड, जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं या फिर जिन लोगों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करिए ताकि हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक जरूर करिए। यहाँ पर देखिए, अस्तर और कपड़े को मिलाते हुए हम चारों तरफ से सिलाई लगा लिए हैं। तो यहाँ पर देखिए, हमने छोटे छोटे चौकोर कपड़ा लिए हैं, इसे मोड़ते हुए त्रिभुज बना लिए हैं। और देखिए, दोनों त्रिभुज को मिलाते हुए हम एक एक मोती अटैच कर लेंगे इस तरह से, देखिए। और इसे देखिए, हम एक दूसरे के ऊपर इस तरह से रखते हुए सिलाई लगा लेंगे। इसी तरह से देखिए, हम सारे पीस को बनाकर तैयार कर लेंगे। और यहाँ पर हमने कुछ गोल्डन कलर के त्रिभुज बना लिए हैं और इसे देखिए, हम अटैच करेंगे इस तरह से। देखिए, हम दोनों कलर के कपड़ों को अटैच कर लेंगे पैटर्न बनाकर। तो ये देखिए, हमने इस तरह से लगा लिया है। अब हम ऊपर से लेस एक लगाएंगे। और यहाँ पर देखिए, नीचे का प्लेट बना लेते हैं पहले। और यहाँ पर देखिए, हमने 1 इंच का पट्टी लिया है और इसे नीचे साइड रखते हुए सिलाई लगा लेंगे। फिर हम इसे अंदर की तरफ पलटते हुए सिलाई लगा लेते हैं। तो देखिए, हमने इस तरह से सिलाई लगा लिया है और ये देखिए, हमारा ब्लाउज डिजाइन बनकर तैयार हो गया। आपको ये डिजाइन कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और पसंद आने पर लाइक जरूर करिएगा।